हमारे पास है ना एडिटर लॉन्गस से हमारे पास अब जो है एडिटर, ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल के अंदर चल रही है। इसकी मीडियली हमारे पास सिमिलर वीन होती है, लेटरली हमारे पास क्या होती है फिमोरल नर्व भी हमारे पास दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर एंड पॉस्टीरियर ब्रांचेस के अंदर। और एंटीरियर ब्रांचेस जो होती है वो हमारे पास थोड़ा सा ही ना नीचे डिसेंड डाउन होती है, उसके बाद फिर वो ना वो कटिनियस बन जाती है। तो हमारे पास बाकी जो पॉस्टीरियर ब्रांच जो होती है इसकी फिमोरल नर्व की, उसकी जो हमारे पास एक ब्रांच होती है जो कि सेफेनस नर्व होती है, वो हमारे पास क्या होती है कि वो पहले इसके फिमोरल आर्टरी के लेटरली होती है, उसके बाद जैसे को हमारे पास एडिटर के नाम ये तीनों चीज़ें जारी होती हैं, फिमोरल हमारे पास फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन और ये सेफेनस नर्व। उस वक्त क्या होता है कि ये हमारे पास फिमोरल ये जो सेफेनस नर्व है वो हमारे पास ना टर्न होती है अंदर की तरफ, यानी कि मीडियल की तरफ टर्न हो जाती है, और फिर वो सबसे ज़्यादा मीडियल स्ट्रक्चर बन के एडिटर कैनाल से बाहर एडिटर कैनाल में आती है, और एडिटर कैनाल के बाद वो हमारे पास एडिटर हेटिस में ये सेफेनस नर्व नहीं जाती, और उसके बाद जो है ना हमारे पास मोस्ट मीडियल होती है ठीक है सेफेनस नर्व, और एडिटर हायटिस में नहीं जाती, और हमारे पास एडिटर कैनाल से एडिटर हेटिस में जाती। इसके बाद क्या था कि ये हमारे पास पियर्स करके है ना उसको जो हमारे पास सार्टोरीज वगैरह जो थे मीडियल साइड पे उनको पियर्स कर देती है, और फिर वो हमारे पास सुपरफिशियल बन जाती है ये सेफेनस नर्व ठीक है, वरना वैसे सेफेनस नर्व सुपरफिशियल नहीं होती पूरे हमारे पास थाई के अंदर। सेफेनस नर्व सुपरफिशियल उस वक्त बनती है जब ये हमारे पास एडिटर कैनाल से निकल के एडिटर हमारे पास चल रही थी फिमोरल आर्टरी, पहले मीडियली और लेटरली होती है फिमोरल वेन की, उसके बाद क्या होता है कि जैसे एडिटर कैनाल में आती है तो वेन वेन जो होती है अब वो उसके पोस्टीरियर आ जाती है, और आर्टरी होती है वो थोड़ा मीडियल आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे ये लोग है ना एडिटर कैनाल से निकल कर एडिटर हेटिस की तरफ जाते हैं, तो एडिटर हेटिस की तरफ जो होती है वो वेन अब पूरी तकरीबन लेटरली होना शुरू हो जाती है, और आर्टरी जो होती है वो फुल मीडियली आ जाती है ठीक है। उसके बाद जो होती है ये हमारे पास इसी दौरान एडिटर कैनाल के दौरान ही और एडिटर हेटिस के दौरान ही हमारे पास एक और ब्रांच देती है अपनी तीसरी डीप ब्रांच, जो कि कहलाती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, या कि इसे ना एडिटर के हायटिस के अंदर ही ब्रांच देती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। वो वहाँ से फिर निकल कर एडिटर हायटिस से निकल कर वो है ना मीडियल साइड ऑफ नी जॉइंट को सप्लाई करती है, और एडिटर ये डिसेंडिंग जेनिकुलर है इसकी भी दो ब्रांचेस होती हैं, एक जो कि हमारे पास है ना वो सेफेनस आर्टरी कहलाती है ठीक है, और एक जो होती है वो हमारे पास होती है ना मस्कुलर ब्रांच, और वी कैन से नी जॉइंट एनास्टोमोसिस में इसकी ब्रांच निकलती है ठीक है। तो ये दोनों सेफेनस आर्टरी और जो इसकी दूसरी जो मस्कुलर ब्रांच है वो दोनों हमारे पास नी जॉइंट को ही सप्लाई करती हैं ठीक है मीडियली साइड पे, और इसका जो काउंटर पार्ट लेटरल साइड पे जो थी वो हमारे पास थी लेटरल डिसेंडिंग है ना सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, विच वॉज द ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, जो कि नी जॉइंट को सप्लाई कर रही थी, नी जॉइंट एनास्टोमोसिस में हेल्प करेगी लेटरल साइड से, और मीडियल साइड से ये डिसेंडिंग जेनिकुलर ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पास आर्टरी गई पीछे पॉपलिटल फोसी की तरफ, तो वहाँ पे हमारे पास आर्टरी मोस्ट मीडियल सुपर पॉपलिटल फोसी के ऊपर की तरफ आर्टरी मोस्ट मीडियल वेन मिडल, और फिर हमारे पास टिपिल नर्व ऊपर से आ रही होती है शियाटिक नर्व आ रही होती है, और फिर वो टिपिल नर्व वो कॉमन पेरिलर में डिवाइड हो जाती है, तो टिपिल नर्व मोस्ट लेटरली होती है। उसके बाद फिर क्या होता है जो मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि है ना आर्टरी जो होती है वो फिर अब नीचे की तरफ से लोअर एंड पॉपलिटल फोसे पर लेटरली हो जाती है, और टिपिल नर्व जो होती है वो मिडियली आ जाती है ठीक है। उसके बाद आर्टरी जो होती है वो हमारे पास है ना लोअर पॉपलिटल फोसे से जैसे वो नीचे की तरफ आती है ना ऑन वी कैन से पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया पे, तो फिर दोबारा आर्टरी जो होती है वो मीडियल साइड पे आ जाती है, और वो जो नर्व जो है वो टिबिया नर्व वो लेटरल साइड पे आ जाती है। इस दौरान जैसे है ना उस पर आती है हमारे पास फीमरल जो पॉपलिटल आर्टरी इस पर आती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर पे, तो वहाँ पे ही हमारे पास है ना पोस्टीरियर सरफेस ऑफ उस पर टिबिया पे, तो वहाँ पे ही हमारे पास अब दो ब्रांच अपनी ब्रांचेस देना शुरू करती है टिबियल आर्टरीज ठीक है। अब ये हमारे पास पॉपलिटल आर्टरी दो ब्रांचेस देती है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर से अब हमारे पास एंटीरियर व्यू पे आ जाएगी, कैसे इंटरऑशियस मेम्ब्रेन होती है ना जो हमारे पास टिबिया फिबुला पे उसकी ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है, वहाँ से हमारे पास एंटीरियर साइड पे आ जाती है, और पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी रहेगी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है ये हमारे पास नीचे डिसेंड डाउन होगी है ना, और कहाँ पर डिसेंडेंट होगी सोलियस गैस्ट्रोन्यूमिस के अंदर की तरफ, जो हमारे पास डीप ग्रुप ऑफ है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स है ना, जो टिबियलस एंटीरियर ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस इनके ऊपर लाया करेगी ठीक है। और वहाँ पे ही हम हमारे पास पॉस्ट जो
पॉस्टीरियर टिबियल आर्टरी की हमारे पास ब्रांच देगी, एक ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं है ना वो पेरोनियल आर्टरी, और उसी के साथ साथ दोस्तों एक और ये ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं है ना सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी, जो कि सर को फिबुलर फिबुला को है ना फिबुला को वाइंड कर लेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच थी, इसने पॉस्टीरियर टिबियल आर्टरी ने, उसके बाद ये नीचे डिसेंड डाउन होगी पॉस्टीरियर मीडियली, और इसी के साथ जो फिबुला की पॉस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो डिसेंड डाउन होगी वो होगी पेरोनियल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद बाकी का कोर्स में नेक्स्ट ऑडियो में।